सब्सक्राइब कीजिए चैनल इजी जीके को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी जीके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि हम अपने चैनल पर मध्य प्रदेश के 52 जिले और 10 संभाग की सीरीज मैप ट्रिक और पिक्चर के माध्यम से चला रहे हैं। तो आज हम उस पर देखने वाले हैं दोस्तों मंडला जिले, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के मंडला जिले की भौगोलिक, पर्यावरण, धार्मिक और अन्य परियोजनाएं और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बात आज हम देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करके प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि ऑलरेडी एक और चैनल है मेरा ही, जो कि मैथ्स के लिए है, मैथ्स और रीजनिंग से को रिलेटेड है, जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आप दोस्तों जैसे कि फर्स्ट मैप देख पा रहे होंगे जबलपुर संभाग का, कि जबलपुर संभाग में मंडला डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। जबलपुर संभाग को लेकर जो 8 जिले आते हैं तो वो सारे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैप के माध्यम से। तो उसमें आप मंडला डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि कहाँ पर है। और अब ये नेक्स्ट जो मैप आपको राइट साइड में दिख रहा है उसमें रेड कलर से ओनली मंडला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों एमपी के मैप में। आप ये भी देख लें कि मंडला डिस्ट्रिक्ट एमपी में कहाँ लोकेटेड है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों फुल मैप मंडला डिस्ट्रिक्ट का, जो कि आप ये सामने देख पा रहे होंगे कि इसमें सारी चीजें मंडला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या है। कि जैसे टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मंडला के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको दिख रहा होगा। नैनपुर दिख रहा होगा दोस्तों, नैनपुर फॉरेस्ट रेंज और खासकर नैनपुर जो नैनो गेज की जो लाइन थी जो एशिया की सबसे छोटी, उसके लिए दोस्तों इस टाइप से काफी सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। मंडला फोर्ट, ये सारी आप मंडला के मैप में देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं मंडला से रिलेटेड फैक्ट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों जो बर्गी डैम है उसका भी बैक वाटर काफी दूर तक मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। तो नर्मदा सोन घाटी में स्थित माना जाता है दोस्तों मंडला, जो नर्मदा का जो सोन घाटी है जो उसके बेल्ट के अंतर्गत आता है मंडला डिस्ट्रिक्ट, और तीन ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। ये आप जरूर याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया कि तीन ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो लोगों ने इसका आंसर जनरली होशंगाबाद लगाया। आप याद रखें कि मंडला डिस्ट्रिक्ट है और गोंडवाना लैंड का बहुत कम ही भूभाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो उसी के अंतर्गत आता है उसमें मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखें। और 1448 ईस्वी के पूर्व तक महेश्वरी नगरी के नाम से जाना जाता है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि महेश्वरी नगरी महेश्वर को ही भी कहा जाता है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। और गोंड राजा हिरदा शाह की राजधानी रहा, वैसे भी गोंड राजाओं की ये गढ़ रहा दोस्तों मंडला, तो इसे गढ़ मंडला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। रानी अवंती बाई और रानी दुर्गावती की भी कर भूमि थी, उन्होंने यहाँ पे ही रहकर ही अंग्रेजों के खिलाफ काफी युद्ध, जैसे आपको उनकी कहानियां पता ही होंगी। और आदिवासी जनजाति की अधिकता के लिए भी मंडला डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। तो मंडला से लेकर जो भी फैक्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसा जहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आदिवासी जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है, और जो गोंड राजाओं थे उनके लिए, ये सब सारी बातें आज हम देखने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट की मंडला किसके लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि देश में क्या स्थान है। देश में मंडला डिस्ट्रिक्ट का स्थान, यहाँ पर मनेरी औद्योगिक केंद्र है दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। और जो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल जो 6 केंद्र सरकार के औद्योगिक केंद्र हैं, उनमें से एक मंडला में भी आया जाता है और ये एग्जाम में पूछा जा गया। और जनजाति दोस्तों गोंड जनजाति के लिए मुख्यतः ये मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी स्थान रखता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रदेश में देखें दोस्तों तो प्रदेश में जो स्थान है उसका फर्स्ट है दोस्तों परमाणु बिजली घर। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर मंडला के ही नजदीक 40 किलोमीटर नारायणगंज के पास एक छुटका ग्राम में है, जहाँ प्रस्तावित है दोस्तों, और ये 1400 मेगावाट का बनने का यहाँ प्रस्तावित है। और यहाँ पर इसको बनने से लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुए, जिससे उसके विरोध में जो लोग थे उनके साथ मेगा पाटेकर भी आई, तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में छाया रहा। तो आप ये भी याद रखें कि नर्मदा बचाओ अभियान वगैरह की उन्होंने ही स्टार्ट किया था मेगा पाटेकर ने, तो यहाँ पे भी उन्होंने लोगों को उनका साथ देकर उनको दूसरी जगह घर वगैरह दिलवाए, तो इस तरह से यहाँ भी डिस्प्यूट रहे, तो ये भी आप याद रखें। और सबसे बड़ा वन मंडल दोस्तों, की 1% की दृष्टि से भी मंडला सबसे बड़ा 1% है, तो ये भी आप याद रखें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है मंडला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया और लोग इसको अक्सर इंदौर लगा देते हैं, जबकि इंदौर जो है दोस्तों वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है, तो ये आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी तहसील है वो है मंडला डिस्ट्रिक्ट।
सर्वाधिक लिंग अनुपात में थर्ड डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, मैक्सिमम सेक्स रेशियो में थर्ड डिस्ट्रिक्ट आता है, तो ये भी याद रखना है। और ग्रामीण लिंग अनुपात में इसमें भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको याद रखना है। अलू जाजपुर झाबुआ के बाद ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात में। और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात दोस्तों मतलब शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिंगानुपात में भी ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। ये सारी बातें एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी गई हैं और डीपली पॉइंट है जिसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं। और शहरी साक्षरता में सिवनी के बाद मंडला दूसरा सबसे अधिक शहरी साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 87% साक्षरता है शहरी में, और सिवनी में दोस्तों 89%। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये सारे ही फैक्ट एग्जाम में पूछे गए तो ही मैंने यहाँ शामिल किए। अब बात करते हैं पर्यटन स्थल के मंडला के, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है वहाँ के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है यहाँ पर सहस्त्रधारा। यहाँ पर दोस्तों शिव मंदिर है और साथ ही यहाँ पर माना जाता है कि सहस्त्रबाहु नाम के जो राजा थे उनने अपनी भुजाओं से मंडला के पास ही नर्मदा नदी को रोक लिया था। तो वहां से काफी यहाँ पर काफी ज्यादा धाराएं हैं और काफी लंबा चौड़ा यहाँ पर 2-3 किलोमीटर का पार्ट है और काफी अच्छे यहाँ के दृश्य है, तो उसके लिए ये फेमस पर्यटन स्थल है। ये है दोस्तों नेक्स्ट गर्म कुंड, ये जादुई सल्फर युक्त पानी के लिए फेमस है, यहाँ पर गर्म पानी के सोते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों देख पा रहे होंगे आप रपटागढ़, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मंडला जो है ये नर्मदा नदी से तीन ओर से घिरे होने के कारण ही यहाँ पर काफी सारे घाट हैं और उनमें से काफी सारे मुक्त रूप में काफी सुंदर है, तो उनमें से एक है रपटागढ़ जो शहर में ही है, तो ये आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ से हिस्टोरिकल प्लेस है मोती महल रामनगर पर ही पड़ता है, तो ये वहां से ही पास है 15 किलोमीटर। तो मोती महल के अन्य नाम है दोस्तों राजा महल, बघेल महल, आप नाम से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो क्योंकि अन्य नामों से भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको तीनों नाम बताता हूँ इसके, मोती महल इसी का नाम है, राजा महल भी इसको बोलते हैं और बघेल महल। इससे रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों, इसका निर्माण वहाँ के गोंड राजा हृदय शाह के द्वारा किया गया था 1651 से 1668 के बीच में। और इनसे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि ये संगीत प्रेमी थे और इन्होंने संगीत की विद्या मुगल दरबार से ली थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजा हृदय शाह ने अपनी संगीत की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो ये मुगल दरबार से लिए थे उन्होंने। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं दोस्तों महल वो है रानी महल, इसका भी दूसरा नाम है दोस्तों बेगम महल के नाम से भी जाना जाता है या चौगान महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वहाँ पास ही चौगान गांव में बसा हुआ है। और इसके फैक्ट है कि हृदय शाह ने जो राजा हृदय शाह थे उन्होंने अपनी चिमनी रानी के लिए इस महल को बनवाया था। और नेक्स्ट दोस्तों आप देख पा रहे हैं भगत राय की कोटी, तो ये भगत राय की कोटी का ही दूसरा नाम है मंत्री महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो राजा थे हृदय शाह उन्हीं के ये दीवान थे, तो उन्होंने उनके लिए ये कोठी बनवाई थी। और अक्सर यहाँ पर अभी भी काफी सारे आयोजन यहाँ पर होते हैं दोस्तों, 2014 तक ये पूरा खंडर था पर आप अभी देख पा रहे हैं काफी अच्छे तरीके से सुसज्जित किया गया है, इसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देखरेख की जाती है। अब आइए बात करते हैं आगे पर्यटन स्थल जो अन्य यहाँ पर जैसे कान्हा नेशनल पार्क, इसको डिटेल में लेकर हम अभी आगे बात करेंगे आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मंडला डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। और रानी दुर्गावती का ये स्टैचू दोस्तों ये भी मंडला डिस्ट्रिक्ट में ही अभी बना रिसेंटली, तो आप इसे भी याद रखें। और ये काला पहाड़ यहाँ पर दोस्तों अष्टफल की पत्थरों का भंडार लगे हुए हैं, ढेर लगा हुआ है। और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जो महल अभी मैंने आपको बताया वो सारे महल ये इसी पत्थरों के द्वारा ही निर्माण किए गए हैं, जबकि साइंटिफिक रीजन ये है दोस्तों कि इस तरह के जो पत्थर हैं ये ओनली विश्व में इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड में ही बस पाए जाते हैं। और ये इनका भी कुछ गौड़वाना लैंड से रिलेटेड फैक्ट है कि ये उस टाइम के ही पत्थर माने जाते हैं, तो ये काफी फेमस है दोस्तों काला पहाड़, ये काफी देखने लायक सुंदर दृश्य है वहाँ के देखने के लिए। और मटियारी डैम दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो मटियारी डैम भी मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। रानी अवंती बाई का स्टेच्यू भी ये मंडला जिले के ही अंदर है। और मंडला फोर्ट या मंडला किले के नाम से ये दोस्तों मंडला के ही संगम घाट के ही तट पर मंडला में ही नर्मदा नदी के तट पर संगम घाट में ही ये आपको मंडला फोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ही उनकी जो गौड़ राजा थे उनकी कुल देवी का मंदिर राजराजेश्वरी मंदिर भी यहाँ पर है। और जो इसका मंडला किले का निर्माण दोस्तों मंडला फोर्ट का निर्माण वहाँ के राजा नरेश शाह ने करवाया था उस टाइम से। और अब बात करते हैं हम वहाँ के धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों में फर्स्ट आप देख रहे हैं सूरज कुंड, ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सूरज कुंड ये वहाँ पर हनुमान मंदिर है। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी अपना स्वरूप दिन में 3 बार बदलते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में, तो ये उसके लिए काफी प्रचलित है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं रपटा घाट, ये वहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है नर्मदा नदी पर। और संगम घाट, वहाँ पर काफी ज्यादा घाट है दोस्तों नर्मदा नदी जैसे तीन ओर से घिरी हुई है मैंने आपको बताया, तो उसके कारण काफी सारे घाटों में ये प्रसिद्ध घाट है जो एग्जाम में पूछे गए, तो संगम घाट स्पेशली पूछा गया क्योंकि वहाँ पर बंजर नदी आकर नर्मदा में मिलती है। और यहाँ पर ही
मेला भी लगता है। और ये नेक्स्ट मंदिर आप जो एग्जाम में पूछा गया, राजराजेश्वरी मंदिर स्पेशली, क्योंकि ये जो गौड़ राजा थे उनकी कुल देवी थी, उनका ये मंदिर था, तो ये स्पेशली पूछा गया राजराजेश्वरी मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में आता, तो ये आप जरूर याद रखें। और ये राधा कृष्ण मंदिर भी मंडला के इम्पोर्टेंट मंदिरों में आता है। तो ये थे धार्मिक स्थल। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ से रिलेटेड, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों के लिए। तो आप इसके जितने भी फैक्ट हैं उसे एक भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके स्टेट लेवल और दोनों एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे फैक्ट एग्जाम में आए हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे 1935 में अभय वन के रूप में कान्हा को स्थापित किया गया, 1953 में इसे अभयारण्य बना दिया गया। दोस्तों मैंने आपको सनवाइज इसलिए लिखा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे गए कि अभयारण्य कब बना, राष्ट्रीय उद्यान कब बना। तो अभयारण्य बना था दोस्तों 1953 में, और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है अभी। और 1973 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, जो कि देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा उल्टा सीधे करके घुमाकर पूछ लिए गए, पर आपको मैंने सारे फैक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। तो और आप देखते हैं और रिलेटेड बात की यहाँ पर ब्राइडरी प्रजाति का एशिया का प्रसिद्ध बारह सिंगा मिलता है, जो दोस्तों सिर्फ यहाँ ही पाया जाता है भारत में। तो इसके लिए भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बाघ के लिए तो है ही, पर साथ में इसके लिए भी जो फॉरनर्स आते हैं वो इसे देखने भी आते हैं, क्योंकि ये स्पेशली ओनली यही पाया जाता है और ये यहाँ की स्पेशलिटी है और यही हमारा राज्य पशु भी है, तो आपको ये भी याद रखना है। और बाघों की संख्या तो सार्वाधिक है ही साथ में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया दोस्तों कि बाघों की संख्या सार्वाधिक वाला राष्ट्रीय उद्यान तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आएगा, बट अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघों का सार्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान तो उसका आंसर होगा दोस्तों बांधवगढ़। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसलिए मैंने सारे फैक्ट एक साथ लिख दिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बंजर रिवर, बंजर नदी यहाँ से ही निकलती है जो आकर इससे होकर गुजरती है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान से के अंतर्गत आती है, तो उसका राइट आंसर था दोस्तों कान्हा, तो आपको ये याद रखना है हॉलो घाटी। ये ऑलरेडी व्यापम में भी पूछा गया है, और वन्य प्राणी संरक्षण का प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। और यूएस के द्वारा यहाँ पर एक पार्क इंटरप्रिटेशन कोर्स भी चलाया जा रहा है, तो उसको भी आपको याद रखना है। और उसको अंतर्गत यहाँ पर एक और अभयारण्य भी है मंडला डिस्ट्रिक्ट में ही फेन नाम से, तो आपको उसे भी याद रखना है, जो एग्जाम में व्यापम में ऑलरेडी पूछा गया है। अब आगे फैक्ट हम देखते हैं कि वन वन के क्षेत्र में, जैसा मैंने आपको बताया सबसे बड़ा 1% वाला जिला है, तो ये आपको याद रखना है। काफी घने जंगल है यहाँ के, कान्हा कृष्ण राष्ट्रीय उद्यान अगर आप विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा। और सर्वाधिक बारिश दोस्तों जो एक एवरेज परसेंटेज है वर्षा का मध्य प्रदेश में, उसमें अधिक प्रतिशत वाला ये डिस्ट्रिक्ट है वर्षा को लेकर, तो आपको ये भी याद रखना है। और बांस, बांस दोस्तों यहाँ मैक्सिमम रूप में पाया जाता है, मिट्टी की बात करते हैं तो लाल पीली मिश्रित मिट्टी, और उसी के कारण यहाँ की जो मुख्य फसल है दोस्तों वो है चावल, और अन्य फसलें हैं गेहूं और तिल। तो जैसे कि वर्षा अधिक होती है मैंने आपको बताया, तो इसी कारण यहाँ की मुख्य फसल चावल है, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता होनी आवश्यक है। आगे बात करते हैं अदर मंडला के बारे में, जनजाति को लेकर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया जनजाति को लेकर भी मंडला देश में ही स्थान रखता है। तो पारधी जाति दोस्तों ये एग्जाम में पूछी गई व्यापम में कहाँ पाई जाती है, तो स्पेशली रूप में मंडला में। अगरिया जाति के लिए क्वेश्चन आया था दोस्तों कि लोहे बनाने वाली जनजाति कहाँ होती है, तो ये अगरिया जनजाति जो कि मंडला में पाई जाती है। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो कि गौड़ समूह, आदिवासी जनजाति जिसके लिए यह फेमस है, तो गौड़ समूह समूह में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति है, इस फैक्ट को लेकर क्वेश्चन आया था। तो और नेक्स्ट था कि प्रदेश की दूसरी बड़ी, और इसके जो देवता है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्टर से क्वेश्चन आते ही है कि इस जाति के देवता क्या थे या इस जाति की प्रथा, तो देवता पूछे गए थे दोस्तों गौड़ जनजाति के, तो ये थे दूल्हा देव, तो आप जरूर याद रखें। और पर्वत में निवास करने वाली जनजाति के रूप में भी क्वेश्चन आया, तो ये भी इसी से आंसर है गौड़। और अब बात कर लेते हैं खनिज को लेकर, तो खनिज यहाँ स्पेशली पाया जाता है मंडला डिस्ट्रिक्ट में डोलोमाइट और बॉक्साइट, और अन्य रूप में ग्रेफाइट भी पाया जाता है, आप स्पेशली इस डिस्ट्रिक्ट के लिए डोलोमाइट याद रखिए। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट से लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में जनरली रिपीट होते रहते हैं। तो फूड पार्क दोस्तों दो मध्य प्रदेश के जो मुख्य रूप में फूड पार्क है उनमें से एक मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, और सेकंड थावर परियोजना, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है व्यापम एग्जामों की थावर परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में रिलेटेड है, तो ये है मंडला डिस्ट्रिक्ट से। रामनगर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐतिहासिक काल में काफी सारे वहाँ पर किले हैं, तो वहाँ पर ही दोस्तों रामनगर के ही किले में ही ये आदि उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि वहां से ही राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई, और 24 अप्रैल 2018 को जो पीएम मोदी हैं उनके द्वारा यहाँ पर उत्सव में आयोजन हुआ, तो
उन्हीं के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे भी बिल्कुल मिस ना करें, ये याद रखें। और साथ ही यहाँ पर चटाई, हर्रा और लाख के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और मुख्य रूप में जो एग्जाम में पूछा गया वो दोस्तों हर्रा और लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश में मंडला मुख्य रूप से जाना जाता है। और अन्य फैक्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दोस्तों, जो गिरधारी बाई और रानी अवंती बाई की समाधि, तो आप इसके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो दोस्तों, गिरधारी बाई जो थी वो रानी अवंती बाई की सहायक थी। और एक और झलकारी बाई की पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप वो है दोस्तों लक्ष्मी बाई की सहायक जिनका समाधि ग्वालियर में, तो आप इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। और अब आइए संबंधित व्यक्तियों से लेकर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, और इसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ से जो फेमस पर्सनालिटी जो फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री रहे और अभी भी हाल ही में, तो इनसे रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों कि ये अभी 17वीं लोकसभा में ही मैं भी विजेता रहे, और उससे पहले भी ये काफी 3 से 4 बार ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो आप ये यहाँ से फेमस पर्सनालिटी, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको पहले बताऊँ क्योंकि लास्ट ईयर 2018 के जो पेपर हुआ था दोस्तों पीएससी में, उनसे रिलेटेड आया था ये संपत्ति, क्योंकि आप नेक्स्ट दे पा रहे होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये किस जिले से संबंध रखती है, क्योंकि ये दोस्तों अभी हाल ही में ही राज्यसभा की सदस्य है और ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य नियुक्त हुई है। तो आप इन्हें जरूर याद रखें क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है किस जिले से इनका संबंध है, तो आप नहीं याद रखते हैं। और नेक्स्ट जो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, श्याम बैरागी। श्याम बैरागी दोस्तों जो जबलपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो गाना रिलीज किया गया कि गाड़ी वाला आया कचरा निकालो, उसके गायक दोस्तों ये श्याम बैरागी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि श्याम बैरागी किससे रिलेटेड है, ये हाल ही का वैपम का क्वेश्चन है कि किस जिले से रिलेटेड है, तो इसका लोगों को जनरली आंसर नहीं पता था जो मंडला से या फिर जबलपुर से बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इन्हें जरूर रखें। श्याम बैरागी गाड़ी वाला या कचरा निकालो जो गाना था उसके ये गायक हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मंडला जिले का सेशन, ये आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक इंस्टा जहाँ भी आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य आपके फ्रेंडों और फैमिली को पता चले कि इस तरह से भी मैप और पिक्चर के माध्यम से आपको पूरे 52 जिले कंप्लीट करवाएं। जय हिंद, जय भारत।